ये घटना है आज से करीब 50 साल पहले की, जब 12 अक्टूबर साल 1972 को उरुग्वायन एयरफोर्स की फ्लाइट 571 उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से उड़ान भर रही थी। इस जहाज में रग्बी के खिलाड़ी थे जिन्हें चिले की राजधानी सांतियागो में एक मैच खेलने जाना था। जहाज में रग्बी के 40 खिलाड़ी समेत 4 क्रू मेंबर्स भी थे, यानी कि जहाज में कुल 44 लोग थे। खैर, जहाज हवाई अड्डे से उड़ान भरती हैं और अर्जेंटीना के ऊपर से जाती हैं। तभी मौसम में खराबी के चलते जहाज को अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड कराना पड़ता है। जहाज को मेंडोजा में लैंड कराने के पीछे का कारण चिली और अर्जेंटीना के बीच खड़े एंडेज माउंटेन रेंज था, जो जहाज के सामने दीवार बनकर खड़ा था। खराब मौसम की वजह से पायलट ने मेंडोजा शहर में ही एक रात गुजारने और फिर सुबह मौसम साफ होने के बाद एंडेज माउंटेन को पार करने का फैसला किया। पायलट सहित सभी पैसेंजर को पूरी उम्मीद थी कि अगली सुबह वे सही सलामत उड़ान भरकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। खैर, अगली सुबह यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट 571 मेंडोजा शहर से उड़ान भरने के लिए तैयार रहती हैं। हालांकि टेक ऑफ करने से पहले पायलट ने अपना रूट तय कर लिया था। जी हाँ, दरअसल मैप पर देखा जाए तो मेंडोजा और सांतियागो, जहां उन्हें जाना था, इनके बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है। लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पीक्स है, जिसे पार करने के लिए पायलट ने कुछ इस तरह का रूट प्लान तैयार किया था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लैंचन पास के बराबर पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर क्यूरिको से टर्न करके सीधा सांतियागो जाकर लैंड करेगा। दोस्तों, पायलट को अपने आप और इस रूट प्लान पर काफी भरोसा था, क्योंकि उसने यहां से करीब 50 फ्लाइट को पार किया था। खैर, प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ और जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। लिहाजा इस परिस्थिति में पायलट ने कंट्रोल टावर से अपना संपर्क जोड़ लिया, जो रेडर पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। जब फ्लाइट 571 प्लैंचन पास के बराबर पहुंच गई, तब उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब जहाज 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था। सफेद बादलों की मोटी लेयर की वजह से पायलट इस वक्त पूरी तरह से सांतियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर डिपेंडेंट था। लेकिन जैसे ही जहाज प्लैंचन पास के करीब पहुंचा, वैसे ही वह कंट्रोल टावर के रेडर से गायब हो गया। हालांकि इससे पायलट को कोई खास चिंता नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों की वजह से रेडर के सिग्नल्स अक्सर बहुत कमजोर रहते हैं। बाद में को पायलट ने डेड रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पर सांतियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया। को पायलट ने कहा कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर क्यूरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उनसे अपनी ऊंचाई को कम करने की परमिशन भी मांगी। आपको बता दें कि नॉर्मली प्लैंचन पास से क्यूरिको पहुंचने में करीब 11 मिनट का समय लगता है, लेकिन इस जहाज ने ये डिस्टेंस महज 3 मिनट में ही पूरा कर लिया, जो कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को समझ नहीं आया। हालांकि रेडर से फ्लाइट 571 के गायब होने की वजह से वे भी कुछ नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी। अब उन्होंने कोपायलट को परमिशन तो दे दी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि कोपायलट ने जो लोकेशन कैलकुलेट किया है वो गलत है। जी हाँ, उन्हें लगा कि फ्लाइट क्यूरिको में है, लेकिन अभी तक तो वो प्लैंचन पास को ही पार कर रही थी। दोस्तों, पायलट ने कंट्रोल टावर के अनुसार राइट टर्न लिया
और फ्लाइट की हाइट को कम करना शुरू कर दिया। कुछ चंद क्षणों में ही जहाज समेत सभी पैसेंजर को एक भारी झटके का सामना करना पड़ा और कुछ देर बाद पायलट ने नोटिस किया कि उसके सामने खुला रास्ता नहीं बल्कि पहाड़ खड़ा है। उसे यह समझ आ गया कि वह अभी एंडीज की पहाड़ों में है, लिहाजा वो फ्लाइट को ऊंचाई पर लेकर जाने का प्रयास करने लगा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया और टकराते ही पीछे का हिस्सा जहाज से अलग हो गया। बिना विंग्स और टेल के टूटा हुआ जहाज बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर काफी तेजी से स्लाइड करने लगा। जहाज का पिछला हिस्सा टूटने की वजह से करीब 12 पैसेंजर की मौके पर ही मौत हो गई और बचे हुए 33 पैसेंजर फ्यूज लार्ज में काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि अभी तक उनमें से किसी की भी जान नहीं गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे उनकी जान नहीं जाने वाली थी। आगे जो होता है वो दिल दहला देने वाला मंजर था। जहाज 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडेज की पहाड़ों में फंस चुका था, जहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था और पिछला हिस्सा टूटकर निकल जाने की वजह से फ्यूज लार्ज में लोगों को काफी ठंड लग रही थी। बचे हुए लोगों ने अपने मृत साथियों की बॉडी को बर्फ में ही दफना दिया और वे मदद की उम्मीद में दूर दूर तक देखने लगे, लेकिन जहां तक उनकी नजर जाती थी वो सब इलाका बर्फ से ढका हुआ था। इस वक्त तक उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से वापस जाना लगभग नामुमकिन था। इधर चिलियन ऑथोरिटी को फ्लाइट 571 के क्रैश होने की खबर मिली। ऑथोरिटी को फ्लाइट के क्रैश होने की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अर्जेंटीना की बड़े से एरिया को जांच करने के लिए 4 एयरक्राफ्ट भेजा। इसके साथ ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 एयरक्राफ्ट और थे, जो कुल मिलाकर 11 एयरक्राफ्ट हो गए थे। वेल, काफी कोशिश के बाद भी उन्हें क्रैश लोकेशन का पता नहीं चल पाया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेस्क्यू प्लेन उस लोकेशन के ऊपर से नहीं गुजरा, लेकिन उनकी नजर क्रैश लोकेशन के साथ इशारा कर रहे पैसेंजर पर भी नहीं पड़ रही थी। लोगों ने लगेज में रखी एक लिपस्टिक से फ्यूज लार्ज पर बड़े अक्षरों में SOS लिखा, ताकि जिसे देख रेस्क्यू प्लेन की नजर उन पर पड़ सके। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी उनकी नजर क्रैश लोकेशन पर नहीं पड़ी। खैर, करीब 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा और जब कोई सुराग नहीं मिला तब जाकर 25 अक्टूबर साल 1972 को सभी पैसेंजर को मृत घोषित कर दिया गया और इसके साथ सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पर मौजूद पैसेंजर्स को कॉकपिट में ही एक रेडियो मिला, जिसको ट्यून करके उन्होंने खबर सुनी कि उनको ढूंढने के लिए चलाया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। इस खबर को सुनकर वे काफी दुखी हुए और अफसोस करने लगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो सब खत्म हो गई। इधर पहले हफ्ते में ही बचे हुए पैसेंजर्स में से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वे बाकियों से कुछ ज्यादा ही जख्मी थे। बचे हुए 28 पैसेंजर्स किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए। सभी ने मिलकर फ्यूज लार्ज को पूरी तरह से पैक कर दिया। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार्स, 3 जैम के जार्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें थी। इन सभी खाने पीने की चीजों को आपस में बांटकर सभी ने पहला हफ्ता किसी तरह बड़ी मुश्किल से काटा, लेकिन उसके बाद जब सब खाने पीने का सामान खत्म हो गया तब उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वे बीमार पड़ गए। अब उन्हें काफी तकलीफ होने लगी, वे भूख से तड़पने लगे।
इसके साथ ही वे जिस ऊंचाई पर थे वहां से ना तो नीचे की ओर जाना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की ओर। उनका वजन भी करीब 40% तक घट चुका था और वे अपने ही मरे हुए साथियों के मांस को खाने पर मजबूर हो गए थे। वेल, बढ़ती भूख की वजह से ही उन्होंने ये दिल दहला देने वाला फैसला लिया था। दोस्तों, क्रैश के 17 दिनों बाद यानी कि 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूज लार्ज पर बुरी तरह हमला किया। इस घटना में फ्यूज लार्ज में बर्फ भर गया और कुल 9 लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी बचे हुए 19 लोगों ने किसी तरह बर्फ को फ्यूज लार्ज से हटाया और रहने का व्यवस्था किया। इसी तरह क्रैश के 60 दिनों बाद यानी कि 12 दिसंबर को 3 सर्वाइवर और मारे गए। अब बचे हुए 16 लोगों के पास 2 रास्ते थे। पहला, अपनी मौत का इंतजार करना और दूसरा, हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद एक वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर लेना। खैर, 16 लोगों में से 3 रग्बी प्लेयर्स जिनका नाम पराडो, कनीसा और विजेंग टीन था, उन्होंने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया। 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी उसी तरह बर्फ से ढके पहाड़ है। इस तरह का नजारा देखकर वे काफी दुखी हुए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पहाड़ की दूसरी साइड की ओर मदद की तलाश में चल पड़े। आपको बता दें कि खाने की शॉर्टेज के चलते 3 में से 1 वापस चला गया, जबकि पराडो और कनीसा मदद की तलाश में आगे चले गए। करीब 10 दिनों तक चलने और 61 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी और जानवर भी थे, साथ ही नदी भी बह रही थी। जब वे नदी के किनारे पानी पी रहे थे तभी नदी के उस पार उनकी नजर घोड़े पर बैठे एक लोकल शख्स पर पड़ी। पानी की तेज बहाव की वजह से उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लोकल शख्स ने उनकी तकलीफ को समझा और एक पेन पेपर उन्हें फेंक कर दिया। उन्होंने अपनी सारी कहानी उस कागज पर लिखी जिसे लेकर वो शख्स चिलियन ऑथोरिटी के पास गया। दोस्तों, पहले तो चिलियन ऑथोरिटी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 2.5 महीने बाद भी कोई उस प्लेन क्रैश में बचा है। खैर, चिलियन ऑथोरिटी ने सबसे पहले पराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया, उसके बाद क्रैश लोकेशन पर जाकर अन्य सर्वाइवर को बचाया और मरे हुए पैसेंजर को वहीं पर एक बड़ी कबर खोदकर दफन कर दिया। उस कबर के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। वेल, इस सच्ची घटना से एक बात तो साबित हो गई कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकता है। वैसे इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।